आपकी अर्लीस्ट मेमोरी क्या है? मेरी अर्लीस्ट मेमोरी अमृतसर की नहीं है। अच्छा, वो इसलिए कि बाद में मेरी वालदा मुझे ले गई थी, मेरे घर दिखाया उन्होंने, लेकिन मेरी अर्लीस्ट मेमोरी अमृतसर की नहीं है क्योंकि मेरी वालदा इंडिया की सबसे पहली खातून डॉक्टर थी। अच्छा। उससे पहले औरतें डॉक्टर नहीं बनती थी और ना ही मुसलमानों को एजुकेशन में वो मुकाम हासिल होता था जो मेरे वालिद को हो गया। ही वॉज इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। तो बड़ी टेंशन होती थी बीच में सोशल और प्रोफेशनल लेवल पे बिटवीन रिलीजियस ग्रुप्स। तो मेरी वालदा चूँकि शी वॉज दी फर्स्ट बैच वेरी डिस्टिंग्विश्ड डॉक्टर, डॉक्टर ब्राउन एक थी, उनके उन्होंने कॉलेज बनाया था लुधियाना में पहले, तो उसका फर्स्ट बैच में पास हुई थी। तो शी वॉज इन चार्ज ऑफ ए हॉस्पिटल, अ वुमेन चिल्ड्रन हॉस्पिटल इन अ प्लेस कॉल्ड शाहबाद। ये शाहबाद मारकंडा इंडिया में है। तो मेरी पहली मेमोरी वहाँ की है। अर्ली मेमोरी ऑफ लाहौर क्या है चाइल्डहुड की, जो पहली आई हैव अ मेमोरी? मेरे ग्रैंडफादर वो रहते थे क्वींस रोड पे, 7 क्वींस रोड, YWCA के बिल्कुल सामने। तो कई दफ़ा मुझे अपने वो घर ले जाते थे अपने साथ। तो मेरे दादा की दो बीवियाँ थीं, यानी कि हमारी दो दादियाँ थीं। एक हमारी दादी थी जो मेरे वालिद की माँ थी, वो पश्तून थी, वो साउथ वज़ीरिस्तान से थी। और फिर मेरी दूसरी दादी जो थी वो अंग्रेज़ थी। जब मेरे दादा बाहर पढ़ने गए तो ही मैरिड ए इंग्लिश वूमन। तो अभी जब मुझे जो होश की बात मैं कर रहा हूँ, तो मेरी दादी जो मेरे वालिद की माँ थी वो तो जा चुकी थी दुनिया से। तो हमारी ग्रैनी थी, ग्रैनी वॉज आर इंग्लिश ग्रैंड मदर। तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मुझे दादा जब ले जाते थे घर, तो वहाँ पे दोपहर को मैं उनके साथ सोता था और शाम को जब हम उठते थे तो वो अपना कॉटन का सूट पहन के, स्टिक अपना मोनोकल लगा के, दूसरे हाथ से उंगली मैंने पकड़ी होती थी, एंड क्वींस रोड से हम बाहर निकलते थे प्लाजा सिनेमा के सामने से होते हुए, गोल्ड स्मिथ एक है दुकान, आज भी है शायद, उसके ऊपर से घूमते हुए माल रोड पर जब आते थे, तो माल रोड पर से मुझे बहुत अच्छी तरह डिस्टिंक्टली याद है कि खुशबू आ रही होती थी। यू नो दे वॉज लाइक कि जिस तरह आपने कोई कलोन छिड़क दिया है सड़क के ऊपर, और सड़कें बिल्कुल धुली हुई होती थी क्योंकि 3:30 बजे वो जो कमेटी के ट्रक्स जो हैं वो सड़क को वॉश करने आ जाते थे। और ये जैस्मिन के फ्लावर्स की खुशबू थी, यास्मीन के जो फूल हैं, जो कि लाहौर की एक बहुत बड़ी, इट वॉज़ अ गिफ्ट टू लाहौर इन अ वे बाय नेचर। तो वहाँ से हम जब क्रॉस ओवर करते थे टूवर्ड्स फिरोज सन्स जो अब है, तो फिरोज सन्स और इंडस होटल की बिल्डिंग के दरमियान एक सड़क पीछे जाती है जिसको उस वक्त हम कहते, आज भी कहते हैं विक्टोरिया पार्क। So, घर का माहौल कैसा था सलमान? I'm very intrigued to know. I lived and grew up with my grandparents. अच्छा। ये जिस घर में हम रहते थे वो एस्पेक्ट ननियाल का था। अच्छा। And my grandfather, my nana, he was very helpful and loving to me during all my childhood, and so was my grandmother. And this was very good for me and very good for my mother because she was a working woman right from the start. So it took off bada sa bahut sara burden unke sir se utar jata tha. So it was very nice. And you know, koi aur bacche bhi the family ke ya nahi? Bas I was alone. To kya karta tha phir Salman, nanna Salman? Ha, nanna Salman main kya karta tha ke, well, because you see we were living in a mahalla, to wahan ek aur kism ki community dwelling thi. तो एक तो दोस्त थे ये वो, और क्या और हमारे कई लोगों के साथ ऐसा भी था कि घर आना जाना भी था। सो यू नो इट वाज नॉट एट ऑल वेरी लोनली। और क्या खेलते थे भाई हम? क्रिकेट जमाने में क्रिकेट खेल लिया, वी यूज्ड टू विल अजीब जी मार्बल्स की गेम्स होती, क्योंकि हमारे वहाँ दरमियान में एक बहुत बड़ा ग्राउंड था और जब हम छोटे थे तब तो और भी बड़ा हमें लगता था, तो बस उसके अंदर जो भी वी यूज्ड टू प्ले डिफरेंट गेम्स। और क्या जमा and they were very सीधा साधा गेम्स, you know, फोन भी नहीं लोगों के घरों में होता था। फोन भी कुछ 60s में आने शुरू हुए लोगों के घरों में, फोन भी नहीं होता था। मेरे यहाँ तो बड़ी देर के बाद फोन आया था, तो यू नो देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिंग पीपल अप एंड दिस दैट।
अब तो वो मोबाइल का भी 20 साल पहले तक हम सोच भी नहीं सकते थे, गालबन 25 साल, अब मुस्तकिल ये चीज़ें हैं। Were you naughty? Not at all. No. Quiet? Yeah, I was sort of calm, probably. Much quieter than I am now. And much more decent, in fact. मैं naughty बाद में हुआ। आमतौर पर यह होता था कि जब मेरी वालदा किसी जगह इंचार्ज हो जाती थी तो वो डॉक्टर के हैसियत से उनको बहुत देखभाल की जाती थी, क्योंकि लोगों के वन टू वन से ताल्लुक पड़ता है ना, और सेहत और बीमारी का ताल्लुक होता है, तो उनको रहने के लिए बड़ी अच्छी जगह दी जाती थी। तो हमें शाहबाद मारकंडा में, मुझे याद है, एक हवेली अलॉट हुई हुई थी, और उस हवेली में एक कीकर का दरख्त था और एक बेरी का दरख्त था और एक कुआँ भी था। अच्छा, कुआँ इसलिए होता था कि उस ज़माने में वाटर सप्लाई के लिए कुआँ वॉज अ काइंड ऑफ प्रिविलेज इन योर हाउस, कि आप उसमें से फ्रेश वाटर निकाल सकते हैं। तो मेरा एक, आप कितने बहन भाई हैं? मैं सब में छोटा हूँ, मुझसे बड़ी एक बहन है, सबसे बड़े मेरे भाई थे, उनका इंतकाल हो गया 2 साल में, तो मैं सब में छोटा था इसलिए मैं साथ रखा जाता था। और सबसे लाडले? और था भी लाडला। और शरारती थे? शरारती तो मैं था, भुगतता भी था अपनी शरारतें। विक्टोरिया पार्क मोस्टली इलाका था जहाँ पे एंग्लो इंडियंस रहते थे, वहाँ पे मेरे दादा का एक छोटा घर था जहाँ पे उनकी बिल्लियाँ थीं, तो वो रोज़ाना एज अ रेगुलरिटी अपनी बिल्लियों को खुद खाना खिलाने जाते थे, तो मेरी बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि अब बहुत सारी बिल्लियाँ होंगी और हम खाना। लेकिन उसका दूसरा विजुअल जो है, छोटे छोटे लॉन्स और बैल्कनीज के अंदर से फूल गिर रहे, और वो एंग्लो इंडियन खवातीन जो हैं वो बाहर बैठी हुई हैं अपनी चाय की टेबल लेके, और एक आधी किसी बैल्कनी से कोई बंदा बैठ के सैक्सोफोन बजा रहा, यू नो, सो इट आई वुड बी ट्रांसपोर्टेड इनटू अनदर वर्ल्ड ऑल टुगेदर। मतलब बहुत अरसे के बाद मैं पेरिस में एक वॉक करता हुआ एक इलाके में टर्न कर गया एक सड़क से, तो मुझे अचानक लगा जिस तरह मैं विक्टोरिया पार्क में आ गया। दैट्स हाउ विक्टोरिया पार्क वॉज सो ब्यूटिफुल। उधर से फिर हम जब बाहर निकलते थे तो माल रोड पे वापस आते थे, तो इस साइड पे एम यासीन खान बेकर, जो कि बहुत ही उम्दा जिनकी बेकरी है, अभी मैं जिक्र कर रहा हूँ तो मेरे मुंह में टेस्ट आ रहा है उनके क्रीम रोल का, जो मुंह में मेल्ट कर जाया करता था, और उनकी लेमन टार्ट कितनी ज़बरदस्त होती थी। बेकरी एक्चुअली बेकरी वॉज एन आइटम ऑफ द ब्रिटिश। हाँ, तो एम यासीन खान वॉज अ पार्ट ऑफ आर ग्रोइंग अप लाइफ। किताबें पढ़ते थे? हाँ, आई यूज टू बट नॉट वेरी मच ऑल्सो, बट एट टाइम्स आई यूज टू रीड स्टफ विच वॉज जो कि इज नॉट रियली प्रिस्क्राइब फॉर, जब मैंने फॉर अ 12 ईयर ओल्ड और अ 13। तो छुप के पढ़ते थे? नहीं नहीं नहीं, वो घर में कोई पढ़ी तो मैं किताब, बिकॉज व्हेन यू आर अलोन तो कोई कोई देखने वाला भी उस तरह नहीं होता ना। तो कभी कोई शरारत की जिस पर डांट पड़ी? कभी पिटाई हुई? हाँ, पिटाई हुई लेकिन बहुत कम, वो भी बहुत कम। तो कोई शरारत नहीं की? कोई ऐसी बड़ी शरारत नहीं की हमने, ऐसी बड़ी कोई चोरी नहीं की कभी? नहीं, उल्टा बल्कि मेरे से चीजें लोग ले जाते थे, मेरे खिलौने वगैरह। तो किससे मार खाई आपने, अगर खाई? मैंने मारा है? वो बचपन में तो खैर, जब मैं, मेरी ज़्यादा मेमोरी जो है वो अली रज़ाबाद की है जहाँ अब आप लोग रहते हैं। अच्छा। क्योंकि मैं 5 साल का था तो अली रज़ाबाद। अच्छा। तो वहाँ भी हमें हवेली एक लॉट हो गई बड़ी सारी, और हॉस्पिटल बहुत बड़ा था, एंडरसन डिप्टी कमिश्नर ख़ास तौर पर बुलाया था कि डॉक्टर अजीम को बुलाओ, नया हॉस्पिटल है इसको चलाएंगी। तो हमारा वहाँ जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, 40 गाँव में बड़ा टैका था, क्योंकि एक ही डॉक्टर थी। तो हमारे वहाँ बाहर जो हमें एक बाग अलॉट हुआ हुआ था जिसके फल हम खाते थे कुछ, वो तो बाग में भी मरीजों उस एरिया में तो बाग ही बाग है ना, बिल्कुल फलों से भरा हुआ है। आप तो वहाँ रहती हैं, इट्स अ वंडरफुल प्लेस टू बी। अच्छा। तो वहाँ पे मरीजों के कतारें लगी होती थी, और मैं बहुत लाडला था, मैं उनके लिए, मेरे लिए कोई घोड़ा ले आता था कि बच्चे को सैर के लिए घोड़ा ले जाए। हमारे करीब वो एक गांव था भोपतियाँ, जिसका मैं तस्कर रहा था, जो एक ही गांव था, तकरीबन ज़्यादा से 100 आधे मील के फासले पे।
और वो एक सिख गाँव था, बाकी मोस्टली मुसलमान गाँव थे. और लाहौर में दो ही बेकर्स थे अच्छे और मारूफ, एक ये थे और दूसरे थे नीला गुंबद में एम यासीन खान, और वो थे मुझे भी नाम नहीं आ रहा, लेकिन देयर वाज अनदर बेकरी, बिकॉज बेकरी वाज अ इंग्लिश थिंग. हमारी तो नाश्ता और चीज़ें दूसरी थी, हमारे तो नान और कुलचे और सुबह की पराठे और पूरियाँ और हलवे थे. तो दीज बेकर्स वर ट्रेंड बाय द ब्रिटिश मोकम दीन. वो मोकम दीन दूसरा जो था दुकान जो थी वो मोकम दीन की दुकान थी. सो दैट वॉज वॉट लाहौर वॉज दैट आई रिमेंबर. एंड देन आई रिमेंबर लॉट ऑफ म्यूजिक ऑन माल रोड. मेरी मेमरीज के अंदर हैं कि देर आर कपल्स डांसिंग ऑन द माल रोड. वो बाद में मैंने जब ट्रेस आउट किया, कुछ थोड़ी सी तारीख इसकी रिसर्च की थोड़ी सी पढ़ने की कोशिश की, तो उसमें समझ में आए कि माल रोड पे एक पूरा वो था ओपन एयर रेस्टोरेंट्स थे. एंड दिस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट उस वहाँ पे जैज म्यूज़िक बजता था और डांसिंग फ्लोर था एक ओपन एयर में, लाइक शांज़ेलीज़े, लाइक पेरिस. सो दिस इज व्हाट लाहौर वाज दैट आई सॉ, ब्यूटीफुल लाहौर. तो कभी किसी ने पिटाई की मेरी? हाँ. Have you ever fought with people and then? Yeah. उसमे पिटाई भी हुई है. Yes. मैंने भी कभी की है, कभी खाई भी है पिटाई. हाँ, दोनों तरफ. It's been two way traffic. अच्छा. तो मैं चूंकि डॉक्टर साहब का बेटा था, इसलिए सारे स्कूल के बच्चे मेरे पीछे होते थे. मैंने टीमें बना रखी थी, कोई फुटबॉल की टीम है, कोई कुश्ती की टीम है, कोई स्विमिंग की टीम है. हालांकि उम्र सिर्फ 6-7 साल थी, लेकिन सब मेरे पीछे होते. एक दफ़ा ये हुआ कि एक नवाब साहब के एक लड़के ने मेरे फुटबॉल की गेंद छीनने की कोशिश की. तो जब गेंद छीन, उसने कहा ये मेरे ग्राउंड में क्यों खेल रहे हो तुम? तो बाकी बच्चे जो थे वो तो भागे सारे मुझे छोड़ के. मैंने हिम्मत की, मैंने पकड़ के उसको पीटा और उससे गेंद छीन ली. उसे मारा, वो रोता, वो भाग गया. तो मैं पिटता नहीं था, मैं पीटता था. सजा मिली कभी किसी बात पर? सजा मुझे अपनी करनी की मिली, किसी और से सजा कभी नहीं मिली. अपनी करनी की मिली कि मुझे शौक हो गया कुश्ती लड़ने का. है? हाँ. तो मैं कबड्डी भी खेलता था, कुश्ती भी लड़ता गाँव के लड़कों के साथ. तो एक लड़का ज़रादा पहलवान था, उसने मुझे उल्टा करके तो गर्द मट्टी में मेरी नाक घुसेड़ दी, सांस नहीं लेता. वो मुझे तजुर्बा बहुत बुरा लगा. मैंने कहा ये इससे मुझे बिल्कुल ऐसा चित किया है कि उसके बाद मैंने कुश्ती छोड़ दी, कबड्डी फिर भी खेलता रहा. और एक मेरे पास बंदूक होती थी. और आप शिकार करते थे? मैं शिकार, चिड़ियाँ इधर उधर सारा दिन. आपको रहम नहीं आता था? नहीं, रहम नहीं आता था. पढ़ता पढ़ाता था नहीं, और करता क्या एक बच्चा. क्या चीज़ जमा करते थे? एट वन टाइम आई गॉट इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग स्टैम्प्स. और हमारे वहाँ ऐसे निकलो ना, क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ माल रोड पे था, ऐसे निकलो बाहर तो साथ ही माल. तो वहाँ ही हमारा फिरना हो, बचपन में भी, बड़े हो के भी. पहले हमारी वालदा या कोई खाला जब हमें विज़िट करते थे, भाई हम चलते फिरते थे. उन्होंने शॉपिंग करनी, ये वो, मैं साथ, क्योंकि अकेला होता था. और बाद में भी ये था कि वहाँ देवदी, अब तो मुझे नज़र नहीं आती, बट दे वॉज बाकायदा अ शॉप, मे बी इट वॉज अ बुक शॉप, मुझे अब ठीक तरह याद नहीं है, जिसमें बाकायदा स्टैम्प्स होते थे बहुत सारे लगे हुए. एंड वी यूज़ टू गो एंड सेलेक्ट स्टैम्प्स, यू नो, मुख्तलिफ कंट्रीज़ का. मुझे अभी तक याद है कि मैं हंगरी का, यू सी. एंड इट्स अ फैंटास्टिक वे ऑफ लर्निंग, बिकॉज यू लर्न अबाउट कंट्रीज़ फ्राम स्टैम्प्स. रियली इट्स वेरी एजुकेटिव. बट अब तो खैर और तरीके आ गए, यू नो. तो वो हंगरी की कोई फुटबॉल का मुझे अभी तक कोई इमेज याद है कि वो कोई खिलाड़ी है, वो फुटबॉल खेल रहा है, एंड इट वाज ऑन अ स्टैम्प, एंड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन दैट स्टैम्प. वो हंगरी का था और पता नहीं इस तरह करके. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स वी टू जस्ट विजिट बुक शॉप्स, फ्रेंड्स, वी टू नॉट सी एनी थिंग, लेकिन कॉमिक्स वगैरह पढ़ी होती थी तो वो हम खड़े खड़े ना पढ़ना शुरू करते थे. फिर वो बुक्स जो जिसकी दुकान होती थी वो तंग आ जाते थे, वो कहते थे जाओ बाहर. I mean, either buy this or don't come into the bookshop and stuff. We were very young, but we used to do this. And because it was just,
round the corner from where I used to live, so we used to do all these things. And then started seeing movies because jitne movie houses the angrezi wale wo mall mein bahut kareeb kareeb ek dusre ke the, ek to regal tha, ek plaza tha, aur baad mein alfala bana tha, so they were all within walking distance 5 to 6 minutes away from my house.